18 feet by 28 feet length into breadth का home plan design. डिजाइन के अंदर हम ड्रॉ करेंगे इसका हाउस डिजाइन. इसके लिए पहले हमें इधर वॉल क्रिएट करके बिल्डिंग प्लान का जो वॉल इसको हमें रेडी करना पड़ेगा. उसके बाद हम इधर डिटेल्स ऐड करेंगे. देखिए ऐसे एक डिजाइन इधर करने के बाद इधर भी हम करेंगे, इधर इधर. ओके, तो हमें कहाँ से घर के अंदर आना है, कहाँ से जाना है, तो इसके लिए हम बात करेंगे. इधर भी हम ऐड करेंगे तो इसका फ्रंट एलिवेशन आपको देखने को मिल जाएगा. इधर से पहले 1 फीट 6 इंच, उसके बाद 7 फीट, उसके बाद 4 फीट 6 इंच. इधर एक सिंपल विंडो हम क्रिएट करेंगे. ओके, उसके बाद हमें इधर करना है स्टेयर ऐड. उसके बाद हमें फाइनल इधर डोर मिल जाएगा. तो फाइनली इसके अंदर हमने देखिए इधर हमने ऐसे बेड, उसके बाद देखिए स्टेप वाइज इधर ऐसे डोर. तो कैसे इसके अंदर आपको आना जाना है ऐसे स्टेयर के नीचे से. उसके बाद इधर देखिए किचन एरिया, इधर फ्रंट में एक विंडो, इधर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, इधर एक सोफा सेट. तो चलिए इसका हम फ्रंट एलिवेशन ऐड करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं. उसके बाद हम भी आपके साथ शेयर करेंगे. फाइनल 3D ड्रॉइंग कंप्लीट करके इधर हमने सेट कर दिया है फ्रंट एलिवेशन में. आपको ऐसे एक सिंपल विंडो के साथ इसका एक वी शेप का चाजा, उसके साथ एक मॉडल, इधर एक ग्रिल गेट, और ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा एक स्टेयर हेड. देखिए इधर से रहेगा इसके स्टेप. और इसका जो 3D फाइनल डिजाइन है इधर आपको हमने दिखाया है ऐसे. देखिए ऐसे एक डिजाइन इधर फाइनल आउटपुट ऐसे आपको दिखने को मिल जाएगा. 2D ड्राइंग आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको 2D ड्राइंग शेयर करने के बाद फाइनल आपका जो डिजाइन है इसको भी आपको देखने को मिल जाएगा. फिर इसको शेयर करते हैं. तो इसके अंदर मेजरमेंट 18 बाई 28 का होम डिजाइन प्लान. तो बेडरूम 11 बाई 10. एक देखिए इधर एक 5 फीट 9 बाई 3 फीट 3 इंच का एक इधर टॉयलेट बाथरूम अटैच रूम के साथ लैट्रिन, और बाहर में बाथरूम एंड टॉयलेट एंड लैट्रिन. इधर एक हॉल रूम, ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया कैसे जगह मिलेगा. उसके बाद किचन रूम, उसके बाद इधर स्टेयर के नीचे से आपको एंट्री रहेगा. ऐसे इसका मेजरमेंट, तो मेजरमेंट कंप्लीट करने के बाद उसके बाद टोटल इसका स्क्वायर फीट 18 × 28 504 स्क्वायर फीट हाउस प्लान डिजाइन. टोटल कॉस्ट 1500, 7,56,000 रुपीज टोटल कॉस्ट. एंड डिजाइन करके जो फाइनल आउटपुट मिला है यही है. आपको इसके अंदर कुछ चेंज ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अगर कुछ मॉडिफाई करना है इसको भी आप कर सकते हैं.